इतना शांति से ये सो गया है और आज मौसी ना डिनर बना रही है क्योंकि बाबू को मम्मी रखी है तो वो सो गया है और मौसी आज डिनर बना रही है। तो चलिए दिखा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और आज है संडे, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, जो भी सारा काम है वो फिनिश हो गया है। और ये देखिए आज ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, क्या बन रहा है? बर्गर। बर्गर ये देखिए यहाँ पे सोनू ने अरेंज किया है, ये पापा के लिए है। तो देखिए बर्गर मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा के लिए ना सोनू ने अरेंज कर दिया है और ये हमारा सिंपल सा बर्गर बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज ना संडे है तो काम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर आ गई है, छोटा बाबू आया है घर में, तो उसको ना बहुत दिन से आने का मन था, तो संडे को टाइम निकाल कर बोली मैं आऊँगी। तो फिर मैं बोली कि ठीक है आ जाना, तो वो आ गई है और लंच का ना टाइम हो गया है तो वही फटाफट से लंच लगा रहे हैं क्योंकि जो फिर उनके हस्बैंड हैं फिर वो चले जाएंगे अपने काम पे, ड्यूटी पे। और ये देखिए बाबू आया है ना, तो इसको बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि गाड़ी में ना सोया हुआ आया था, इस वजह से इसको अब लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। सारा कुछ नोटिस कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। और बाबू ना 3 महीने कंप्लीट कर चुका है और अभी ना टाइम हो रहा है 7:30 बज चुका है और मम्मा यहाँ पे बाबू को लेके सुला रही है। और ये देखिए कितना शांति से ये सो गया है। और आज मौसी ना डिनर बना रही है क्योंकि बाबू को मम्मी रखी है तो वो सो गया है और मौसी आज डिनर बना रही है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या बना रही है मौसी। और यहाँ पे पढ़ाई के जगह गेम हो रहा है। और यहाँ पे मौसी आज बना रही है, क्या बना रही है मौसी? आलू टमाटर का चोखा। क्या बना रहे मौसी? सब्जी बना रहे हैं, लिट्टी बन रहा है। और यहाँ पे उठी और यहाँ पे मम्मी आटा गूंथ के रखी है और यहाँ पे सत्तू को तैयार करके रखी है, तो आज लिट्टी बनने वाला है। और मौसी यहाँ पे लिट्टी से खाने वाली सब्जी बना रही है और यहाँ पे लिट्टी खाने के लिए चोखा भी बन चुका है। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे इवनिंग का, क्योंकि मैंने और कोई शूट नहीं किया है क्योंकि छोटा बच्चा आया है घर में ना, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है वरना कुछ काम नहीं होगा। इस वजह से मैं कोई शूटिंग वगैरह नहीं कर पाई, मोबाइल हाथ में मैं ले ही नहीं पाई। तो यहाँ पे देखिए सोनू वीडियो बना रही थी और अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, बाबू के लिए कुछ लेना है। बट ना हम पुरानी बाज़ार वाला मार्केट नहीं जा रहे हैं, बस यहीं पर सामने वाला जा रहे हैं जहाँ से कि हम ले लें, बाबू के लिए लेना है गर्म कपड़े वगैरह, तो वो लेना है हमें यहाँ पे। तो बाबू को ले के ही जाना पड़ेगा साथ में क्योंकि हम इसको अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। और ये इसको ना मैं फूआ के यहाँ छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर हम दोनों चले जाएंगे, बस 15 से 20 मिनट में हम लोग आ जाएंगे, इसलिए फूआ के यहाँ इसको मुझे छोड़ देना है। तो चलिए अब मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ मार्केट में। My chance to see us find our way back, and in the end amidst these trying times I'll always try to find और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मार्केट। तो यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादा दूर नहीं आ पाए थे क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका था और बाबू को उतना दूर लेके जाना पॉसिबल भी नहीं था, तो बाबू को मैं फुआ के यहाँ छोड़कर और फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे हम लोग यहाँ से फटाफट से ले करके फिर चले जाएँगे, नहीं तो फिर बाबू ना रोने लगेगा। तो बाबू के लिए ही यहाँ पर गर्म कपड़े वगैरह लेने थे, उसके पास है बट वो ना थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है ना, तो थोड़े से साइज़ छोटे आ जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे गर्म कपड़े लेने थे उसके लिए। और बच्चा है तो एक्स्ट्रा भी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, इस वजह से यहाँ पे मैं गर्म कपड़े ले रही हूँ। और ये भैया का ना शॉप भी है बगल में, तो थोड़ा सा ये अपना जो सामान है वो बाहर में रखते हैं और बाकी शॉप में ही रखते हैं। ये देखिए इनका शॉप है ये, और यहाँ पे ना आपको गरम कपड़े, डेली यूज वेयर, बहुत ही कुछ सामान मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, बच्चों का खास करके ज़्यादा मिल जाएगा। और यहाँ पे चलिए अब शॉपिंग हो गया है, तब थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद
फिर से हम लोग चलेंगे दूसरे शॉप पे। तो सिस्टर बोल रही थी उसको कुर्ती देखना था, तो फिर हम लोग कुर्ती वाले शॉप पे चलेंगे। और चलिए यहाँ पे कुर्ती मैं देख रही हूँ, सिस्टर देख रही है, बट ना इसके साइज का अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोग यहाँ से दो ले गए थे, फिर इसको टाइट हो गया ना, तो फिर वो रिटर्न करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको ना कुर्ती वगैरह सारा कुछ आइटम मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा मार्केटिंग वगैरह हो गया है और हम लोग मोस्टली निकलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया था ना, बाबू रोने लगता है इस वजह से। तो फ्रेंड्स ये तो था दो दिनों का वीडियो जो मैं शूट कर पाई थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।